प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों की करेंगे शुरुआत। सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। ऊर्जा सुरक्षा और आधारभूत संरचना से जुड़ी 34,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। उधमपुर में सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ करेंगे मौजूदा स्थिति पर चर्चा। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा के वित्त पोषण मामले में हैदराबाद यूथ करेज नाम के एनजीओ को जारी किया नोटिस। लोगों को एनजीओ को दान नहीं देने की दी हिदायत। और खेल की खबरों में रांची टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 7 विकेट पर बनाए 302 रन। जो रूट ने खेली शतकीय पारी, वहीं भारत के लिए पहला मैच खेल रहे आकाशदीप ने लिए 3 विकेट। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना को 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS में संचालित किया जा रहा है। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 PACS की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री देश भर में 18,000 PACS में कंप्यूटरीकरण की परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 34,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेलवे, कोयला, बिजली और सौर ऊर्जा सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का प्रथम चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे और परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन के पहले और दूसरे चरण से 50% बिजली की आपूर्ति छत्तीसगढ़ में की जाएगी। इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली सहित कई अन्य राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार होगा। वहीं प्रधानमंत्री नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए राजनांदगांव में लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सौर PV परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान मुख्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरान वह कमांड अस्पताल उधमपुर की नई इमारत का उद्घाटन भी करेंगे। इस एक दिवसीय दौरे में रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा से संबंधित वर्तमान हालात पर सेना के शीर्ष कमांडरों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित भी करेंगे। हालांकि अपने इस दौरे में रक्षा मंत्री किसी भी राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। महज 2 महीने के भीतर रक्षा मंत्री का जम्मू कश्मीर का यह दूसरा दौरा है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संदेश खाली हिंसा पर चौतरफा घिरती जा रही हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, नौकरशाहों और नागरिक समाज के सदस्यों का एक दल आज संदेश खाली का दौरा करेगा।
इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने भी संदेश खाली का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे लेकर लोग अब मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और संदेश खाली हिंसा के मास्टरमाइंड शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाए। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने शाहजहां शेख को चौथा समन भेजा है और 29 फरवरी को कोलकाता स्थित अपने दफ्तर बुलाया है। किसान आंदोलन से देश के कई राज्यों में औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों द्वारा आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित होने पर एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं आमजन को भी खासा परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। ये नज़ारा है हरियाणा के अम्बाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित शंभू बॉर्डर का। किसान आंदोलन से एशिया की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ को प्रतिदिन 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। पिछले 10 दिनों से कोई भी ट्रक दिल्ली के लिए नहीं गया है। किसान आंदोलन के चलते कोई भी ट्रक संचालक दिल्ली जाने को तैयार नहीं है। जो ट्रक पहले निकले थे वो भी किसान आंदोलन की वजह से पहले पंजाब व हरियाणा के अम्बाला स्थित शंभू बॉर्डर पर ही बंद होने की वजह से वहीं खड़े हैं। इनमें कुछ ट्रक चालक हरियाणा के यमुनानगर होते हुए निकल रहे थे, लेकिन किसानों को जैसे ही इस रास्ते का पता चला तो जगह जगह किसानों ने नाके लगा दिए, जिससे कोई भी सामान दिल्ली नहीं जा रहा है, न ही दिल्ली से कोई कच्चा माल आ रहा है। प्रतिदिन ट्रक संचालकों को 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। अम्बाला सिटी के पास स्थित शंभू बॉर्डर पर कतार में खड़े ट्रक किसान आंदोलन की मार झेल रहे हैं। ट्रक ड्राइवर परेशान हैं। बॉर्डर खुलने के इंतजार में बैठे ड्राइवर्स का कहना है कि जब सरकार ने इनकी अधिकांश मांगे मान ली हैं, तो इनको अब धरना प्रदर्शन बंद कर बॉर्डर से उठ जाना चाहिए। जो सरकार ने सारी किसानों की जो मांगे मान ली, तो उनको उठ जाना चाहिए और किसानों को भी खेती करनी चाहिए और हमें भी अपना काम करना चाहिए। ये किसान आंदोलन हुआ है ना, इसीलिए खड़े हैं हम लोग। और क्या, ये आंदोलन की वजह से रुका हुआ है। 8-10 दिन हो गए इधर रुके। हाँ, अब इसकी वजह से कहीं से देखो 8-10 दिन में इधर निकाला है, खाने पीने का सामान खत्म हो गया पूरा। नाम किए किसान है इतना, जो कि यहाँ जेसीबी हाइड्रा और मशीन लेके सारे खड़े हैं और यहाँ का करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 10 तारीख से यहाँ खड़ा हूँ, अभी तक कोई फैसला नहीं। आज हमको 12 दिन हो गया है और हमको पंजाब जाना है, और हमें किसान आंदोलन से क्या लेना देना सर? हमारा माल करोड़ों का नुकसान हो रहा है, मालिक टाइम पर फोन कर रहा है, गाड़ी कहाँ से निकाले हम? 10 तारीख से इधर खड़े हैं सर, अभी आंदोलन की बहुत वजह से परेशान हो रहे हैं। पैसा वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ मिल नहीं पा रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से प्रतिदिन 1000 ट्रक रवाना होते हैं। सभी ट्रक दिल्ली होकर अगले राज्यों में जाते हैं। ट्रकों में जिन व्यापारियों का माल लदा है उनको खासा नुकसान हो रहा है। सभी दिक्कतें हो रही जी, ट्रैफिक नहीं आ रहा, जा नहीं सकते कहीं भी, सब्जी महंगी है, सारे सबका काम धंधा भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे ही चल रहा है, इस करके काम होते हैं, काम बहुत मंदा जी चल रहा है, माल नहीं बिक रहा है। पंजाब में जाने की बहुत दिक्कत है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे कम हो गए, मेरे पर खर्चा खत्म हो गया। किसान आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर पर हरियाणा से पंजाब आने जाने वाले आम नागरिकों व रेहड़ी पटरी चलाने वाले लोगों को भी खासा परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन की वजह से ट्रकों की आवाजाही रुकने से पंजाब व हरियाणा के बॉर्डर पर ट्रक न तो वापस आ रहे हैं और न ही आगे जा पा रहे हैं। इस कारण से माल की आवाजाही बाधित हो रही है। इस वजह से बीबीएन के अप्लायंसेस, धागा, गत्ता, दवा, सीमेंट उद्योग भी इस बंद से काफी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे औद्योगिक हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। हरियाणा के अम्बाला जिले के शंभू बॉर्डर पर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पुलिस की बैरिकेडिंग है और किसानों का दूसरी तरफ आंदोलन का रुख किया हुआ है। इसी वजह से बीते 10 तारीख से ये मेरे पीछे जो ट्रक देख रहे हैं यहाँ यथास्थिति में खड़े हैं। इन ट्रकों में सामान लदा हुआ है जिनको जम्मू कश्मीर और कई राज्यों में ले जाना था, लेकिन ये ले जाने में असमर्थ हो रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान आंदोलन की वजह से इन लोगों को जो दिक्कत हो रही है, उससे न केवल करोड़ों का व्यापार और कारोबार रुक रहा है, बल्कि आम जन को भी खासा परेशानी हो रही है। ओपी यादव, DD News, शंभू बॉर्डर, अम्बाला।
बढ़ते अगली खबर की ओर। वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के साथ रायसेना डायलॉग 2024 संपन्न हो गया है। रायसेना डायलॉग में चर्चा के दौरान मौजूदा वैश्विक चुनौतियों और इसके समावेशी विकास पर सभी देशों ने अपने अपने विचार रखे। दुनिया के बदलते परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को भी प्रमुखता से उठाया गया। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की और वैश्विक पटल पर भारत के योगदान के महत्व को मंच के माध्यम से सभी देशों के सामने रखा। विश्व के 115 देशों के 2500 प्रतिभागी जब दिल्ली में वैश्विक राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़े सम्मेलन के रूप में जाने जाने वाले रायसीना डायलॉग 2024 में जुटे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर विचार मंथन किया गया। रायसीना डायलॉग 2024 के नवें संस्करण में यूरोपीय संघ से जुड़ी वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, ग्लोबल साउथ की आवाज को दुनिया भर में प्रमुखता से उठाने और समावेशी विकास के समाधानों पर चर्चा हुई। बदलते वैश्विक परिदृश्य में दुनिया की वर्तमान चुनौतियों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की विफलता और पश्चिमी बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की मांग को भी रायसीना डायलॉग के मंच पर रखा गया। The UN is still actually a reflection of a colonial era organization. So I think it's a great idea. You know, I really think that you know, posing the reform issue in terms of perpetuating a colonial era is something which we all need to think about. But what we realized was that G20 was not enough because one part of the world with more than 50 countries had been significantly shut out, which was Africa. So if you see, in a way, we still call it G20, but it's actually become G21. And that itself, by the way, you know, in a way, it's also a lesson to the UN that if the G20 could expand, so could the P5. मोदी सरकार की अगुवाई में पिछले एक दशक में भारत की तस्वीर और तकदीर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अब भारत को दुनिया में प्रौद्योगिकी के सह निर्माता और सह विकासकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। India has today emerged as a developed, as a trusted and a developing geography where people believe that yes, India is a good partner. From being a receiver of previous generation technology through TOT agreements, today India is viewed as a country which can be a co-creator of technology, which can be a co-developer of technology. ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। Direction of the global debate and addressing the great challenges that we face. India is now often regarded, and rightly so, as a consensus builder and as a voice of reason in an increasingly polarized world. And by the way, Greece is supporting the reform of the Security Council of the United Nations in order for leading countries such as India to be represented at the highest table and for in order for their voice to be heard. विश्व को जब भी भारत की सहायता की जरूरत पड़ी, भारत ने दो कदम आगे बढ़कर दुनिया की मदद की है। भारत ने वैश्विक पटल पर जलवायु परिवर्तन और डिजिटल परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे रखा है। भारत की भूमिका अब दुनिया में तेजी से बदल रही है और विघटनकारी शक्तियों से मुकाबले के लिए वो दुनिया भर में शांति और स्थिरता कायम रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पांसिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुली ऑपरेट कर रहा। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए
थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दो, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर वन सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में नैनीताल पुलिस ने बनभूलपुरा हिंसा के वित्त पोषण में एक NGO की भूमिका की पहचान करते हुए नोटिस जारी किया है। इसमें लोगों से कहा गया है कि वो इस NGO को दान ना करें। इस NGO का नाम हैदराबाद यूथ करेज है। पुलिस ने इसका अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन नंबर जैसे तमाम दस्तावेज की जानकारी आयकर विभाग समेत बाकी एजेंसियों को दे दी है ताकि इन्हें सीज किया जा सके। साथ ही इस संस्था को डोनेट करने वालों की भी पहचान की जा रही है। नैनीताल पुलिस ने साफ कहा है कि गलत तरीके से पैसा लेने और दंगाइयों को सपोर्ट करने, सोशल मीडिया पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों संस्कृत की विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार हासिल कर वाराणसी के बच्चे और उनके गुरुजन दोनों ही बहुत उत्साहित नजर आए। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने कुछ विजेताओं से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आकर 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं, सांसद ज्ञान, सांसद फोटोग्राफी और सांसद संस्कृत श्रेणियों में लोगों को पुरस्कार दिए हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा नवरत्न से, जो सबसे छोटा है। बेटा, कैसा लगा आज प्रधानमंत्री से मिलकर और किस बात का पुरस्कार मिला तुम्हें? जी, मुझे संस्कृत व्याकरण पर मैंने व्याकरण भाषण दिया था, उसी बात मुझे पुरस्कार मिला है। प्रधानमंत्री ने काफी देर तक तुमसे बात भी करी, क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे कि तुम थोड़ा पतले हो, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? तो क्या सोचा फिर तुमने? मैंने सोचा कि अब फिर से खाना चाहिए, नहीं तो फिर और भी कोई आएगा तो यही बोलेगा। हमारे साथ एक बच्ची भी है, क्या नाम है? मेरा नाम स्वस्ति आर्य है, मैं पाणिनि कन्या महाविद्यालय से हूँ। स्वस्ति, प्रधानमंत्री से मिलकर कैसा लगा और क्या PM ने बोला आपको? मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि बधाई हो, ये मेरे लिए एक बहुत ही अधिक उत्साहवर्धन की बात थी। उन्होंने मेरे को ऐसा बोला, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। वो आज आए थे हम सबका उत्साहवर्धन करने और आज हम सब लोग इतने उत्साहित हैं उनसे मिलकर, उनसे बात कर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। और आपको कौन से कैटेगरी में मिला है? योग्यता में प्रथम स्थान था हमारा और हम सेंट एंड्रयू बॉयज स्कूल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कैसा लगा PM को इतने करीब से देख के, उनके हाथों से पुरस्कार लेकर? अत्यंत खुशी की बात है और प्रधानमंत्री जी ने हमें उत्साहवर्धन किया और उन्होंने हमें बोला कि आप आगे जाके और आगे बढ़े और ऊंचाइयों को प्राप्त करें, इसके लिए उन्होंने हमें बहुत बहुत बधाई दी, धन्यवाद। अच्छा, मेरे साथ कुछ टीचर्स भी हैं, आपको कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिला है? हमको जन सामान वाले में प्रथम पुरस्कार मिला है। हम बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे और साथ ही साथ अपना भी कर लिया, तो हमें लगा कि हम भी अपडेट होते जा रहे हैं बच्चों के साथ साथ और काफी कुछ बच्चों को सिखाते हम भी कुछ सीख रहे हैं। अब अच्छा लगा, पहली बार लगा कि इससे सपना साकार हुआ। मोदी जी को सामने से देखना और इतने करीब से देखना एक सपने के समान था। एक सपने को का साकार होना। मेरे साथ ये प्रोफेसर जैन भी है और सबसे ज्यादा तालियां आपके बच्चों ने देख रहा था, बहुत जोर शोर से बजा रहे थे, तो ये आप सम्मानित हुए प्रधान सेवक के हाथों, कैसा लगा आपको? ये तो एक अद्भुत अनुभूति है क्योंकि हम समझते हैं कि संस्कृत की जो विरासत इस समय यहाँ संरक्षित की जा रही है, वो देश के कर्णधार जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, वो इसे स्वयं यहाँ पर पूर्ण करने के लिए पधारे और हम सभी उनका प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में सदैव आदेश का पालन करते रहते हैं, अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का हमेशा भाव रखते हैं और इस अद्भुत अनुभूति से यहाँ का सारा जन समुदाय एकदम प्रसन्न चित्त है और हम बार बार उनको इसी रूप में यहाँ पर अपने समक्ष देखना चाहेंगे, धन्यवाद। और मेरे साथ एक और नौजवान है जिनको फोटोग्राफी में मिला है ये, और प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि फोटो कंपटीशन होना चाहिए, आपको क्या बोला प्रधानमंत्री ने? उन्होंने पूछा कि मैं कब से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया कि मैं बचपन से कर रहा हूँ और उन्होंने कहा कि उन्होंने इंकरेज किया कि आपको करना चाहिए और जैसा आपने सुना
कि वो फोटोग्राफी और भी आर्ट फॉर्म्स को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो जो भी आर्टिस्ट हैं प्लीज आप लोग अपना जो भी वर्क है सबको दिखाइए दुनिया को, मैं तो यही बोलना चाहूंगा। तो जैसे कि आपने सुना प्रधानमंत्री ने सबको एक काम भी दिया है, आपको गाइड भी बनना है, आपको अच्छा फोटोग्राफर भी बनना है और आपको काशी की बदलती सूरत की तस्वीर का भी स्केच बनाना है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज वाराणसी। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में मंदिरों पर टैक्स का एक बिल पास किया है। इसके तहत किसी मंदिर की आय अगर 1 करोड़ रुपए है तो उसे 10% और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से ज्यादा है तो उसे 5% टैक्स सरकार को देना होगा। यह बिल कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती बिल 2024 है। इसी को लेकर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार के विरोध में भाजपा समेत कई संत भी उतर आए हैं। हालांकि कांग्रेस ने बिल का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य में 40 से 50 हजार पुजारी हैं जिनकी सरकार मदद करना चाहती है। दारुल उलूम देवबंद द्वारा गजवाए हिंद को मान्यता देने संबंधी देश विरोधी फतवे को लेकर मुस्लिम संगठन भी अब आलोचना कर रहे हैं। ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज ने इसे भारत विरोधी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि सीमा पार के आतंकी संगठनों द्वारा भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की झूठी कहानी बुनी गई है जिसका ना तो कुरान और ना ही हदीस में जिक्र है। दारुल उलूम देवबंद पर सांप्रदायिकता बढ़ाने का आरोप लगाते हुए पसमांदा मुस्लिम महाज ने उसे अपने वेबसाइट से राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को तुरंत हटाने के लिए कहा है। संगठन ने एक बयान में यह भी कहा है कि दारुल उलूम देवबंद पसमांदा मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए कोई बात नहीं करता है बल्कि यह सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कार्यों में लगा हुआ है। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। जब यह ट्रेन मुंबई में पास आएगी तो 21 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल से होकर मुंबई के अपने आखिरी स्थान तक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक पहुंचेगी। गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी इसका काम तेजी से चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई के चल रहे बुलेट ट्रेन के काम का जायजा लिया है। देश की पहली बुलेट ट्रेन जल्द ही मुंबई अहमदाबाद इन दो महानगरों के बीच चलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 2026 तक सूरत से बिलीमोरा के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलाने का टारगेट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में भारत को जापान से मदद मिल रही है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से चलेगी। मुंबई अहमदाबाद के बीच की लिमिटेड स्टॉप बुलेट ट्रेन पूरी दूरी को केवल 127 मिनट में तय करेगी। अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफर करने पर 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का समय लगता है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर बुलेट ट्रेन अपने अंतिम गंतव्य अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन तक जाएगी। ये गुजरात के 8 जिलों, महाराष्ट्र के 3 जिलों और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव से होकर गुजरेगी। बुलेट ट्रेन एक दर्जन स्टेशनों मुंबई, पीकेसी, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती स्टेशनों पर रुकेगी। इस प्रोजेक्ट में जापानी तकनीक शिंकानसेन का उपयोग किया गया है। जब ये ट्रेन मुंबई आएगी तो 21 किलोमीटर का सफर अंडरग्राउंड टनल के जरिए तय किया जाएगा। ये देश का अब तक का सबसे लंबा अंडरग्राउंड रेल टनल होगा। ये करीब 21 किलोमीटर की टोटल टनल है। इसमें से करीब 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे रहेगी। टनल बहुत ही चौड़ी टनल है, 13.9 मीटर, मतलब करीब करीब 40 फुट के आसपास चौड़ी टनल है, जिसमें 2 लाइन रहेगी, एक लाइन अप और एक लाइन डाउन। 2 लाइन पे इसके अंदर हाई स्पीड रेल चलेगी। काम को स्पीड अप करने के लिए 4 जगह से काम एक साथ पैरेलल में स्टार्ट हुआ। 2 तो शाफ्ट है, 1 एडिट है और 1 फाइनल एंड। टारगेट अपना लिया हुआ है कि जो पहला सेक्शन इस हाई स्पीड का खुलेगा वो 2026 में खुलेगा बिटवीन सूरत एंड बिलीमोरा, और उसके बाद में एक एक करके सारे सेक्शंस खोलते जाएंगे। अगर ठाकरे जी की सरकार जल्दी से परमिशंस दे देती तो ये प्रोजेक्ट अब तक काफी आगे प्रोग्रेस कर गया होता, जैसा आपने गुजरात वाले सेक्शन में देखा है। इस प्रोजेक्ट का काम करने के लिए NHRCL ने कई ऐसी नई तकनीक का इस्तेमाल किया है जिनका भारत में पहली बार प्रयोग हो रहा है। साल 2015 में मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की गई। गुजरात में इसका काम बड़ी तेजी से चल रहा था लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया, लेकिन अब जल्द ही ये ट्रेन लोगों की सेवा में शामिल हो जाएगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन द्वारा मुंबई में बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो चुका है और मुंबई को जो है, खासतौर पर बुलेट ट्रेन की बात करें तो ये देश की पहली
रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन होगी जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी और सफ़र होगा 2 घंटों से कुछ ज़्यादा का। इस वक्त अगर मुंबई टू अहमदाबाद की हम बात करें तो अगर रास्ते के जरिए आप चले जाते हैं तो तकरीबन 8 से 9 घंटे लग जाते हैं, ट्रेन से अमूमन अगर देखा जाए 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन से यही अंतर जो है 2 घंटे से कुछ ज़्यादा के वक्त में आप तय कर पाएंगे। कैमरन कपिल के साथ शीर्ष लार डीडी न्यूज़ मुंबई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के बनिहाल संगलदान खंड के बीच रेल सेवा शुरू हो चुकी है। इलाके के लोगों के लिए ट्रेन में सफर करने का सपना न सिर्फ सच हुआ है बल्कि पर्यटन और रोजगार के विकल्प भी अब खुले हैं। यहां के निवासियों के चेहरों पर तो खुशी दिख ही रही है और साथ ही अब कम खर्च पर श्रीनगर और बारामूला का सफर आसान होगा। इसके लिए कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी कर रही है। संगलदान से बनिहाल के बीच में ये जो ट्रेन है अब यहाँ के लोगों की एक लाइफलाइन होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि 75% जो रोजगार मिला है वो यहाँ के लोगों को मिला है, यानी कि जो कामगार थे वो 75% यहाँ के कामगार थे, उन्हें बड़ी खुशी है कि उनको रोजगार यहाँ पर हासिल हुआ और अब इस ट्रेन के चलने के बाद से उनको पर्यटन भी हासिल होगा जिसके साथ से उनको फिर से एक नया रोजगार मिल पाएगा। देखिए इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर एक सामान रखने के लिए पूरा इसका ये बनाया गया है ताकि आप यात्री जो है वहाँ पर सामान रख सकते हैं, खड़े होकर अगर वो ट्रैवलिंग करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर एक वो हैंगर्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ पंखों की यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर ये चार्जिंग पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर चार्जिंग कर सकते हैं। ये एक डिस्प्ले बोर्ड भी यहाँ पर लगाया गया है जिसमें निश्चित तौर पर स्टेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ बैठने का जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर अलग से भी अगर एक जो लोग चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। काफ़ी स्पेस यहाँ पर दिया गया है ताकि लोग अपने जो है मूवमेंट कर सकें, वॉक कर सकें और उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बहुत अच्छा है ये ट्रेन में हम श्रीनगर जा रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा हुआ है। धन्यवाद है मोदी साहब का। श्रीनगर जाते थे एक साइड से 1,000 रुपये लगता था, इसमें हमको खाली 80 रुपये लगेंगे किराया। हम बहुत खुश हैं, मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बधाई देना चाहेंगे कि हमारा इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि आप पूछिए नहीं, कितना देखते हैं छोटे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी माताएं, बहनें सब ट्रेन में बैठ के जा रही हैं। हमारे गांव में ट्रेन आई पहली बार, हमें बहुत अच्छा लगा और पूरी आवाम भी खुश होगी यहाँ पे हमारे संगलदान में। बहुत अच्छा लगा हमें ट्रेन आई। गुब्बारों से आज इसको सजाया गया है, वो तिरंगे से इसको सजाया गया है क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार ट्रेन जो है वो यहाँ पर पहुँची है। एक बड़ी कामयाबी नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर है और लोग काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया भी कर रहे हैं। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़ संगलदान। और अब खेल से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 302 रन का स्कोर किया है। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने शतकीय पारी खेली और वह 106 रन बनाकर नाबाद हैं। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया था। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 57 के स्कोर पर अपने 3 बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए। यह तीनों ही विकेट भारत की ओर से आकाशदीप ने लिए। हालांकि इसके बाद जो रूट ने पारी को और तेजी से रन बनाए। जो रूट के अलावा इंग्लैंड की ओर से जॉनी बैरिस्टो ने 38 तो बेन फोक्स ने 47 रन की पारी खेली। सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त बना रखी है। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच जैनिक शॉपमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्की को अपना इस्तीफा सौंपा है। कुछ दिन पहले ही शॉपमैन ने बयान दिया था कि महिला कोच और प्लेयर्स के साथ भेदभाव होता है। उन्होंने यह भी कहा था कि पिछले 2 सालों में उन्हें बहुत अकेलापन महसूस हुआ है। जैनिक शॉपमैन 4 साल पहले 2020 में भारतीय टीम के साथ बतौर एनालिटिकल कोच जुड़ी थी। टोक्यो ओलंपिक के बाद उन्हें टीम की हेड कोच बना दिया गया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।